टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पब्लो पिकासो आर्ट टेक्निक। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो, कलर, पेंसिल, स्केल, ब्रश, ओके, बोल्ड मार्कर, या फिर आप लोग जब मैं कलर करूँगी तो ब्लैक कलर भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, अभी मैं पेंसिल से पब्लो पिकासो की एक आर्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैं ड्रॉ करते करते आप लोगों को थोड़ा उनके बारे में बताती हूँ। ओके, कि हु इज पब्लो पिकासो, वेर इज ही फ्रॉम। फर्स्ट मैं बताती हूँ हु इज पब्लो पिकासो, पब्लो पिकासो कौन है। ओके, वो एक 20वीं सदी के महान आर्टिस्ट है। उनका जन्म स्पेन में हुआ था, उनके फादर भी आर्ट टीचर थे, तो वहाँ से बचपन से अपने फादर को आर्ट करते हुए देखते देखते उनके अंदर में भी आर्ट की जो इंटरेस्ट है, जो कला की इंटरेस्ट है, वो अपने अंदर आ गया। उनके अंदर भी उनके मतलब आर्ट में आप वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो पेंटिंग हैं वो ऐसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनके जो आर्ट है वो मिलियन डॉलर सेल होती, कि इतना ग्रेट आर्टिस्ट वो थे। अभी मैं देखो यहाँ पे जैसे मैं पेंटिंग कर रही हूँ, जैसे मैं स्केच कर रही हूँ अभी पेंसिल से, देखो मैं कितना सारा लाइंस वर्क कितना सारा कर रही हूँ, बहुत सारे। अभी ये पेंटिंग में तो मतलब ज़्यादा लाइंस नहीं है, बहुत कम ही लाइंस है, लेकिन उनका आप लोग अगर देखोगे थोड़ा सा उनका पेंटिंग कैसा है तो उसमें बहुत सारे लाइंस आप लोगों को दिखाई देगा। मैंने जैसे बोला कि उनके पेंटिंग में बहुत सारे कलर्स की यूज़ होते हैं। अभी मैं जैसे कर रही हूँ यहाँ पे भी आप लोग देख पाओगे कि बहुत सारे कलर्स मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे बहुत कलरफुल होते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे कलर्स यूज़ किया है। अभी टॉपिक के हिसाब से उनका पेंटिंग की थीम भी चेंज होता गया, उनके अंदर कलर्स भी चेंज होता गया, ऐसा होता है। यहाँ पे देखो मैंने पेंटिंग को थोड़ा सा ऐसे घुमा के मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो कलर्स है वो सूखा नहीं है तो मेरे हाथ पे लग जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा के कर रही हूँ। लेकिन आप लोग काइंडली ऐसे घुमा के पेंटिंग मत करिएगा, क्योंकि ऐसे घुमा के पेंटिंग करना मतलब सही नहीं होता। पब्लो पिकासो सिर्फ पेंटिंग ही करते थे ऐसा नहीं, उनका 350 के ऊपर स्कल्पचर भी है, तो वो स्कल्पचर भी करते थे। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब मिक्स कर रही हूँ कलर को, मिक्सिंग प्रोसेस से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप लोग ब्रश थोड़ा धीरे से चलाना, यहाँ पे मैंने स्पीड से दिखाया है, तो आप लोग धीरे से करना नहीं तो कलर फैल जाएगा। देखो मैं कितना डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लीफ की कलरिंग बिना ड्रॉ किए किया है, लेकिन आप लोग ड्रॉ कर ले सकते हो। यहाँ पे भी मैंने मिक्सिंग प्रोसेस किया है, लाइट टू डार्क शेड मैंने यूज किया है, देखो। यहाँ पे मैंने फ्लावर को देखो ऐसे किया है, मैंने पूरा फ्लावर ऐसे एक कलर दे दिया है। यहाँ पे शायद वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे मेरा स्केच दिखाई दे रहा था, सो दैट्स व्हाई मैंने ऐसे पूरा कलर दे दिया है। ठीक है, तो स्केच मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं जब बाद में आउटलाइन करूँगी तो उसी की मेरे स्केच की जैसे स्केच है वैसे ही मैं आउटलाइन करूँगी।
हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी देखो मैं ब्लैक पोस्टर कलर से भी आउटलाइन कर सकती हूँ और मैं बोल्ड मार्कर से भी आउटलाइन कर सकती हूँ। मैं आप लोगों को दोनों से करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर ब्रश से आप लोगों को नहीं आएगा करना तो आप लोग बोल्ड मार्कर यूज़ करके ये कर सकते हो आउटलाइन, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों का यूज़ आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने आउटलाइन किया है ब्रश से। अभी देखो, जैसे मैंने बताया था कि मेरा स्केच ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, तो वही पेंसिल स्केच के ऊपर ही मैं ये आउटलाइन दे रही हूँ। अभी मैं लीफ को दे रही हूँ आउटलाइन। पिकासो आर्ट में जो आउटलाइन मतलब होता है वो थिक भी होता और थिन भी होता है, दोनों तरह की होते हैं, ठीक है। इस पेंटिंग में आउटलाइन बहुत थिक है, थोड़ा सा बोल्ड है। मैं मार्कर से करके दिखा रही हूँ। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हो, या फिर ब्लैक कलर्स या फिर बोल्ड मार्कर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्लैक ही होना चाहिए आउटलाइन, ठीक है, इस पेंटिंग में। सो यहाँ पे मैंने ब्रश का यूज़ भी किया है और मार्कर का यूज़ करके भी मैंने आप लोगों को दिखाया, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। अभी मैं यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स, कुछ डॉट, ऐसा कुछ यूज़ कर रही हूँ, देने वाली हूँ, पूरे पेंटिंग में ही मैं दूंगी। और अभी कलर के साथ मैं वाइट मिक्स करूंगी। पहले भी मैंने जो ये जो पेंटिंग में जो पूरा कलर किया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कलर के साथ मैंने थोड़ा बहुत वाइट मिक्स किया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा ज़्यादा मिक्स करूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा डिज़ाइन हाईलाइट देने के लिए कलर के साथ, प्योर कलर के साथ थोड़ा वाइट मिक्स करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं वाइट मिक्स करके कर रही हूँ। जहाँ पे थोड़ा लाइट हमने टोन दिया है, लाइट कलर दिया है, वहाँ पे मैं थोड़ा डीप कलर से डिज़ाइन कर रही हूँ। जहाँ पे मैंने डीप कलर दिया है वहाँ पे लाइट कलर से डिज़ाइन कर रही हूँ। ज़्यादा लाइट कलर कैसे बनाना है, वाइट मिक्स करके, कलर के साथ वाइट मिक्स करके बनाना है। जैसे मैंने बताया था कि लाइट कलर में डीप कलर में लाइट कलर से डिज़ाइन करना है, तो वैसे मैंने थोड़ा किया है, यहाँ पे दिखाया है, दो तीन कलर ऐसे दिया है डॉट। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा ये डिज़ाइन बना रही हूँ। फाइनल पेंटिंग हो गया हमारा, पिकासो आर्ट कंप्लीट।